हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और मैंने एक खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग बनाया है माइक्रॉन्स का, प्लेन वाइट कलर में, और ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट है। बहुत खूबसूरत सा, सिंपल सा है। अगर आप चाहो तो इसकी डिज़ाइन मैं अलग वीडियो में शेयर करूँगी, बट यहाँ पे मैं कुछ अलग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप मेरे पास प्लेन वाइट कलर का था, रोप थी एक, उसकी मदद से मैंने ये वॉल हैंगिंग बनाया है। तो बहुत प्लेन सिंपल सा लग रहा था, तो मैंने सोचा मेरे पास कुछ कलर अवेलेबल है तो उनका यूज़ करके मैं इसको पेंट करूं। जो रेड कलर था वो एक्रेलिक कलर था, और जो गोल्डन कलर है वो मैंने मंगवाया था, स्पेशल लिया था, ये ऑयल पेंट है। तो एक्रेलिक कलर तो सिंपल वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो उनको लगाना सिंपल है, पर जो ऑयल कलर्स होते हैं, ऑयल पेंट होते हैं, वो थोड़े से मुश्किल है। आप ब्रश की हेल्प से करो, हाथ से डायरेक्ट मत यूज़ करो, नहीं तो वो हाथ में लग जाएंगे आपके। तो मैंने इसको जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया कि एक इसमें रेड कलर और एक इसमें गोल्डन कलर करूँगी। एक्रेलिक कलर या वो जो वाटर सॉल्युबल कलर होते जो पानी में आराम से घुल जाते हैं, तो जो रेड कलर था हल्का सा पिंकिश, डार्क पिंक कलर कह सकते, इसको रेड भी नहीं था ये, तो इसको मैंने पानी में डिप किया। और ये कम 10 या 12 रुपए की डब्बी आई थी, और अच्छे से घुमा के फिर जो आपका माइक्रोन का वॉल हैंगिंग है उसको नीचे की तरफ से मैंने इसको कलर किया, डाई किया। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन मैंने मतलब इतना ढूंढ के, बहुत सारे अलग अलग जो वॉल हैंगिंग के वीडियोस थे उनमें से कुछ इसमें से कुछ इसमें से लेके बनाई है। और एक बहुत एक तो 50-60 रुपए के अंदर ये वॉल हैंगिंग बनी है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने घर में बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, और इसके दो कलर में और कलर के साथ तो और ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो इसको आपको 5 मिनट डीप करके रखना है, कलर वो अपने आप सोख लेगा। उसके बाद जब ऑयल पेंट यूज़ करें तो आप प्लीज़ ब्रश की हेल्प से कीजिए। मेरे पास ब्लश अवेलेबल था नहीं, तो मैंने जो कॉटन या स्पंज आता है आप उसकी हेल्प से कर सकते हो, तो मैंने कॉटन की हेल्प से किया। थोड़ा बहुत मेरी उंगलियों का लगा, जिसको छुटका मतलब छोड़ने के लिए, मुझे छुड़वाने के लिए बहुत टाइम लगा, मेरा ऑलमोस्ट 2 दिन नहीं निकला हाथ से, और वो स्मेल भी रह जाता है। तो ब्रश की हेल्प से कीजिएगा, या थोड़ा सा केयरफुली कलर दीजिएगा कि आपके हाथ में कहीं ना लगे। और जैसे आपका ये कलरिंग हो जाए तो इसको कम से कम 1 घंटा अच्छे से धूप के नीचे इसको सुखाइए, कि वो जब सूख जाएगा तो देखिए कितना खुल के कितना अच्छा कलर ये आया है। और आप बताइए कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।